तू सफाई कर। जिया सफाइयाँ कर रही है। हमने ज़ू जाना था लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। सो गाइस, हम लोगों ने ना ज़ू जाना था और हम तैयार हो गए सब। बाद में पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, हमारी प्लानिंग सारी कैंसिल। अभी जिया सफाइयाँ कर रही है और मैं इसको क्या कहते हैं, हाँ नहीं उसको उसका काम चेक करने के लिए किस तरह काम करती है वो या नहीं करती। नो गाइस, मुझे आज शाम को ढोलकी पे भी जाना है और इंशाल्लाह ढोलकी का प्लान कैंसिल नहीं होगा। जू का और कैपिटल स्क्वायर का तो हो गया, लेकिन जू और कैपिटल स्क्वायर खैर आप लोगों ने देखा भी बहुत है ब्लॉग में, तो हमें स्पॉन्सर करना चाहिए यार एडसन वालों को। मतलब हर दूसरे ब्लॉग में हम उधर गए हुए होते हैं लेकिन कदर नहीं है। सही बात है। सो गाइस, हम कहीं नहीं जा रहे, हम सफाइयाँ करेंगे आज। आज का ये व्लॉग होगा सफाइयों पे और जिया सफाई करेगी। क्या शिकायत लगाएगी मम्मी को? वो मसूमी ऊपर काम नहीं कर रही। वो मसूमी कोई काम नहीं कर रही, मुझे पता है। कर रही थी, मैं गई थी आप बैठ के, मैंने भी जब जा काम कर क्या। तुझे अच्छा नहीं लगता कर तेरी बहन स्कूल से बैठी है? गोश्त नहीं साफ करना। काम कर। अम्मी कह रही गोश्त भी साफ कर। गोश्त वोश मैंने कर लिया था, अपने ड्रीम खिला दूंगी कि ना ऐसा साफ करूंगी ना नजर नहीं आएगा। क्या आप लाइटिंग ज्यादा अच्छी है। मैं अभी तो तू 2 मिनट तो कपड़ा ना लेने गई ना, मैंने पुष्पा के लगा दूंगी तेरे नीचे तो जो कपड़े का क्या करना है। मैंने क्या करना है, क्या करना है? मैं बस साफ करके ना कि ना बाय, आई एम गोइंग। ऊपर वालों को अब चेक करके आती हूँ वो सफाई सही तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो गाइज, ये सारा काम इसने मुझसे सीखा है, फुली ट्रेंड मासी है। काउंटिंग मुझसे सीखी। कहाँ जा रही है? अच्छा ना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाय ना। जिया को तंग करने के बाद अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और हेलो, आप क्या कर रही हैं? कैसी करती हैं सफाई? मैं देखने आ रही हूँ कि अच्छी की है या नहीं की। अच्छा, जब कोई मेहमान आते हैं ना हमारे घर में, तो मामा पता कैसे रिएक्ट करती हैं? जिस तरह मेहमानों ने आके ये सब सवाल करने देखे। जी, पौधों को पानी नहीं देती आप? बजे आपकी छुरी का रंग उतर गया है। बर्तन धुले हुए हैं? ग्रिल क्यों इतनी गंदी है? उफ़ बाजी, आपकी बेडशीट पे सिलवटें क्यों पड़ी हुई हैं? ये इधर क्यों पड़ा है? गाइज, ये मुल्तान से हमें हमारा फैन मिल गया। बहुत दूर से आया है, इसे हम सफाइयाँ करवाएंगे। हमारा फैन हमें बहुत दूर से मिलना है, फिर मुल्तान से मिलना है, अब हम ना उससे हेल्प लेंगे सफाइयों में। और मुझे रूम में नहीं घुसने दीजिए ना। फैन कह रहा है आप बल बैठे, मैं सारा काम कर दूँ, मैं सारी सफाइयाँ कर दूँ, आप एक्सपर्ट। सो गाइज, आई एम रेडी और मुझे मेरे भाई ने कोट पहना दिया क्योंकि बाहर बहुत सख्त बारिश हो रही है। मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी अपना पूरा आउटफिट। खैर आउटफिट मैं, हाँ यहाँ पे जाए आई बटन पे और इसमें जो रेड कलर का है ना वही वाला मेरा आउटफिट है। और मैंने ऐसे चुटिया कर लिया, पोनी भी मैचिंग नहीं थी,
वेलवेट कलर का जो होगा जो मैंने पहना है फर्स्ट डे पे, फर्स्ट आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस वीडियो में, मैंने वो वाला पहना है। साथ ही झुमके हैं, चुटिया कर ली है और पोनी भी मैचिंग नहीं है। जूते मैंने एक मिनट जूते मैंने ये पहने हैं, वो भी मैचिंग नहीं है क्योंकि आई डोंट हैव फैंसी शूज़। मैं शादियों पे नहीं जाती ज़्यादा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं जाती। तो सालों बाद कोई एक आध दफ़ा तो मेरे पास फैंसी कपड़े भी नहीं होते इतने ज़्यादा। सो आई एम गोइंग, आई एम रेडी। और क्या कहूँ, क्या बात कर, आई डोंट नो ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है या नहीं। मतलब दरमियान वाली मांग मैंने पहली दफ़ा निकाली और शादी पे जा रही हूँ, शादी पे एक्सपेरिमेंट करके जा रही हूँ। लोग कोई होता है ऐसे जो शादी पे जाए और एक्सपेरिमेंट करके जा रहा हो? मतलब अच्छा, तो मैं ढोल बजाने जा रही हूँ अपने दोस्त। मैं ढोल बजाने नहीं जा रही, प्रोफेशनल सर्विस सारा पता है। दा स्पीकर होकर जी, फ्रेंड की बहन है उधर। सर मैंने बिजली बिजली ये कैन धीरे धीरे तन के नारे रहन चंदी कुड़ी बदला दी पैन सारे मैंने बिजली बिजली कैन आगे तो गा आगे नहीं आता एक मेरी दोस्त ने भी कहा था गाने याद करके आना, उधर बैठी होंगी सारी ऐसे छोलियां होती है ना सारों को मैंने देखा हुआ होता है बैठी होती है फिर ऐसे गाओ ना यार तुम गाओ ना कुत्ती है गाना पता खुद किसी को भी नहीं होता क्या करना है। ओ सर मेरी बिजली बिजली कैन तू रह दे मैं दीदी है जी ढोलकी है इसी महीने के अंदर होगी ना दो तीन दिनों में तो निकाह पे कर ली। निकाह कब है? निकाह जल्द होगा इंशाल्लाह। मैं कर दूंगा लाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड्स को। वाह मल्टी की शादियां तो आए हाथ में। तू ले लेना कौन सा लाना है? मिक्स ले लेना। क्या मतलब? अभी हम आए हैं केक लेने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे इंजॉय करेंगे। और अगर कोई वीडियो हुई, कोई क्लिप हुआ मेरा या पिक्चर्स हुई तो मैं आगे डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और बताएं हाउ आई एम लुकिंग? बिल्कुल लाइट सा मेकअप है, पता नहीं यार ठीक किया भी है या नहीं मुझे। हाँ ये वाला साथ नेकलेस सर मैंने बिजली कैन कहता तो कोई भी नहीं है। बाय द वे आई एम लुकिंग, भाई का वेट कर रही हूँ, वो आए तो फिर चलता है। बारिश दिखनी है? देखनी है, दिखाती है। ये देखो जी रिमझिम रिमझिम। और ये मेरा भैया, आपको नजर आया ये? ओह गॉड, अभी तो औरों की ढोलकी है ना तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं पाती, मतलब दिखा नहीं सकूँगी। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता कि बगैर परमिशन किसी की वीडियोस या पिक्चर्स मैंने कभी भी नहीं अपलोड की अपने चैनल पे, लेकिन जब मेरी ढोलकी होगी ना, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सारी तैयारियाँ सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी छप्पियों की। वाई मतलब यार मुझे लग रहा है कि मैं यार बहुत ओवर लगूँगी अभी, मतलब अभी मुझे लग रहा है मैं शादी पे जा रही हूँ तो या तो मैं बहुत ओवर लगूंगी वहाँ पे या मैं बहुत सिंपल लगूंगी। बीच वाला चांस है ही नहीं, अगर बीच वाला होता ना तो बंदा एडजस्ट कर ही लेता है, बट इस टाइप का कुछ है नहीं। मुझे पकड़ा दे कौन सा लाया है? पता नहीं कुछ और क्या चॉकलेट टाइप की कुछ है, वो दूसरा नहीं था। ठीक है, कितने का है? ढोल बजाने जा रही है, वीडियो देख लेते हैं। कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का? सच्ची बता कितने का है? 100 रुपए का। सच्ची बताना। बताया तो रहा हूँ। कितने 100 का? 100 रुपए का। चाची ने टफ टफ पीछे की। सुना कोई नहीं था जी? उधर कहाँ जा रहा है?